20 रुपए से मैं भारत से नेपाल आ चुका हूँ। Hey guys, welcome in my channel. आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पहाड़ों का शहर नेपाल। भारत से कैसे आप नेपाल जा सकते हो और कितना खर्चा लगता है, इंटर डिटेल्स यू विल गेट इट इन दिस वीडियो। तो ये खड़ा है मेरा ट्रेन, इस ट्रेन का प्राइस पड़ा मेरा टिकट 370 रुपीज़ ओनली। यहाँ से मैं पहुँचूँगा भारत का बॉर्डर रक्सौल, वहाँ से कैसे पहुँचेंगे नेपाल देखते हैं, और वहाँ से क्या क्या ट्रांसपोर्ट यूज करके मैं काठमांडू पहुँच सकता हूँ, वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, और वीडियो को अगर अच्छा लगा सो काइंडली शेयर द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got guys, after a long journey I have reached Raxual. ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है, आप देख सकते हो। तो इधर से जाना है मुझे बॉर्डर, कैसे जाना है पता नहीं है। लेट्स गेट सम इन्फॉर्मेशन, बीरगंज तक कैसे पहुँचे और इसके लिए कितना पैसा लगता है, इसकी इन्फॉर्मेशन चलिए आपको दे देते हैं। It's so beautiful, you and me. Hey friends, मुझे सिर्फ लगा 20 रुपए, 20 रुपए से मैं भारत से नेपाल आ चुका हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ एक बस स्टॉप में, ये नेपाल का बस स्टॉप है। इधर आने के लिए मुझे टोटो से लगा ओनली 20 रुपीज। सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर 3 ट्रांसपोर्ट, वन इज रिक्शा, वन इज टोटो एंड वन इज टोंगा। सो बाई यूजिंग 3 ट्रांसपोर्ट यू कैन कम, यू कैन क्रॉस द बॉर्डर। सो बॉर्डर क्रॉसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे। गाइस, अभी रक्सौल से जाएंगे काठमांडू, और काठमांडू जाने के लिए मैंने बुक किया है ये टाटा सुमो, और मेरा इंडियन करेंसी में प्राइस लगा ओनली 390 रुपीज। दो इट इज इन नेपाली करेंसी 600, बट इंडियन करेंसी ओनली 390 रुपीज। सो काठमांडू तक पूरा मेरा साथ आपको रहना पड़ेगा, और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज एक्सप्लोर करने को मिलता है वो भी देखते हैं। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can see. Hey guys, मैं पहुंच गया काठमांडू मेरा हॉस्टल में, और ये है मेरा हॉस्टल का बेड। सो आते आते आई टुक सम कैलकुलेशन मेरा कितना खर्चा हुआ। गाइस, ट्रेन से इंडिया से रक्सौल आने तक मेरा खर्चा पड़ा ओनली 370 रुपीज, और बॉर्डर क्रॉस किया ऑटो से उसका खर्चा पड़ा ओनली 20 रुपीज, और बॉर्डर से मैं काठमांडू पहुंच गया एक जीप से, उसका मेरा भाड़ा पड़ा ऑलमोस्ट 390 रुपीज। सो टोटल पड़ा मेरा 780 रुपीज। So you can imagine guys, it is very much budget traveling from Kolkata, from India to Kathmandu. So guys, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा so kindly share with your friends. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने so kindly subscribe it as soon as possible.